बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नजदीक आ गया है, बहुत हालत खराब है, डर लग रहा है, क्या करें इस डर को भगाने के लिए और कैसे इस एग्जाम को अच्छे ढंग से हम निकाल सकते हैं अपने मनोबल के बल पे, आइए उसको हम लोग जानते हैं। डर जरूर कम हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो कि मेरे लिए ही सिर्फ जरूरी था, इसको पढ़ करके हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको लड़ते हुए दिखेगा। आपको क्या लगता है कि सभी लोग एग्जाम सिर्फ पढ़ाई के दम पर ही निकालते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ लोग मनोबल के दम पे भी निकालते हैं, इसका मोटिवेशन सबसे ज्यादा तगड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए आज बात करते हैं कि जितने भी लोग, जितने भी छात्र या छात्राएं डरे हुए हैं कि मेरा एग्जाम नजदीक आ गया है, एडमिट कार्ड तक मेरा आ चुका है और सेंटर यहां दिया है, इतना डेट को मेरा एग्जाम है, मेरा सबसे पहले एग्जाम दे दिया है, मेरा सबसे बाद में एग्जाम है, हम क्या करें? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि एग्जाम तो किसी ना किसी दिन आप लोग का होना था, लेकिन डर का होना भी लाजमी है। एग्जाम तो कभी ना कभी आपका हो ही जाता और उस समय भी आपको डर लगता है। अगर आज एग्जाम रद्द कर दिया जाता है और एक साल बाद आपसे एग्जाम लिया जाएगा, तो उस एक साल में जो एडमिट कार्ड आएगा ना 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, उस दिन भी आपको डर लगेगा। तो ये डर आना तो लाजमी है, ये सबके अंदर आता है, लेकिन नहीं, सबके अंदर नहीं आता है, ये उसी के अंदर ज्यादा डर आता है जो कुछ ना कुछ अपना तैयारी को करता है, और जो बहुत अच्छे से तैयारी करके रखता है उसको तो और भी ज्यादा डर लगता है कि क्या मेरा पढ़ा हुआ एग्जाम में काम आएगा या नहीं। एक डर तो ये हो गया कि आप पढ़े हैं, आपका पढ़ा हुआ काम एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, कितना क्वेश्चन मैच करेगा, मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन दूसरा प्रकार का डर क्या है पता है? जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहता है, जो किसी को वादा करके आया है कि नहीं इस बार हम बिहार पुलिस निकाल लेंगे, जिसके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके माता पिता उस पर भरोसा कर चुके हैं कि नहीं इस बार तो मेरा बेटा जरूर बिहार पुलिस निकाल लेगा, उसको और दूसरा तरह का डर लगता है। एक डर हुआ कि चलो एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो तो मेरा टेस्ट हुआ ना कि हम कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वो टेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक नौकरी से अपने आप को संबंध बताता है कि नहीं, नौकरी मेरा होना जरूरी है, हम पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, एग्जाम निकलेगा चाहे नहीं निकलेगा, नौकरी मेरा मजबूरी है, होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे स्थिति के अनुसार वो बहुत जरूरी है। तो वो जो डर होता है ना, उसका डर का तुलना और किसी डर के सामने नहीं हो सकता है, वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सिर्फ डर होने से काम चलेगा नहीं, डर तो सब में है, लड़का में भी है कि लड़के में कितना कंपटीशन होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, मेरे से एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, लड़की में भी है कि लड़कियां बहुत सारे जो है दौड़ रही है, सब जगह मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, क्लास कोचिंग कर रही है, लड़कियों का कंपटीशन भी बढ़ रहा है, उसमें भी डर है कि पता नहीं मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा, हम घर से परमिशन लेकर के आए बाहर पढ़ने के लिए, पढ़ रहे हैं और बिहार पुलिस नहीं निकलेगा तो इस बार हमको घर बुला लिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो ये सब जो टेंशन है ना, वो किसके बीच होता है? तो विद्यार्थी के बीच ही होता है जो पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा आप लोगों को फायदा मिलता है कि आपका कंपटीशन पढ़े लिखे विद्यार्थी के साथ होता है, यानी कि वैसे ही लोगों के साथ होता है जो लगभग आपके लेवल के सोच रखते हैं, आपके लेवल के पढ़ाई कर रहे होते हैं और आपके साथ एग्जाम को कंपीट करने वाले होते हैं, उसको डर लगता है। लेकिन ये डर को भगाया कैसे जा सकता है? सबसे पहले अपने अंदर मनोबल ये बनाइए कि हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा, कौन निकालेगा? हम इतने दिन से बिहार पुलिस के लिए सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगा, हम तैयारी करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, हम एग्जाम देने जाएंगे और वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करेंगे, हम सोच रहे हैं, और एक और लड़का है जो ये सोच रहा है कि सिर्फ हमको नौकरी चाहिए, किसी भी तरीका से वो अफवाह में है, किसी दूसरे तरीका से नौकरी को लेना चाह रहा है, वो मेरे साथ कंपीट कर रहा है, तो उसका होगा कि मेरा होगा? तो आपका होगा, लेकिन कैसे? मेहनत करना पड़ेगा आपको दिशा के अनुसार। इसीलिए आपको हम हर एक तरह का वीडियो, आपको पता होगा मेरे चैनल पर अपलोड किया गया, जो कि कमजोर स्टूडेंट के साथ साथ वैसे स्टूडेंट जिसको अपना दिशा पता नहीं होता है कि मेरा दिशा क्या है तैयारी करने का बिहार पुलिस के लिए। नौकरी बहुत सारा है भारत में, बहुत सारा नौकरी, वही स्टेट लेवल का नौकरी है बिहार पुलिस, लेकिन सेंट्रल लेवल में भी बहुत सारा नौकरी है, लेकिन आप बिहार पुलिस को जब चुने हैं, आप चाहते हैं बिहार पुलिस को निकालना, कांस्टेबल के एग्जाम को निकालना, तो ये आप में एक स्पेशल चीज है कि नहीं, आप इसके लिए फोकस्ड हैं, इसलिए आप इसको चुने हैं, इसका एग्जाम भी देंगे, इसका तैयारी भी करेंगे और बहुत मन से इसमें आप लगे हुए हैं। नौकरी बहुत सारा है, फॉर्म भी आप बहुत सारा भरते होंगे, लेकिन इसके लिए ज्यादा आप लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप इसको चाहते हैं। इसी कारण से आप जब चाहते हैं तो इसका सिलेबस का ज्ञान, इसका दिशा का ज्ञान कि कैसे मेहनत करना है, क्या करना है, वो सब चीज आपको हम पहले से देकर रखे हुए हैं हर चीज। और इसी समय आपका वीडियो भी आपको मिल गया जो हम बनाए कि 20 दिन में आप कैसे तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और बिहार पुलिस का रिजल्ट तक आप दे सकते हैं, मतलब 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तो आप जरूर बढ़ा सकते हैं। वो भी वीडियो हम रिलीज कर दिए अपने चैनल पर, इसका भी लिंक आपको अंतिम में देंगे। इसको भी देखना जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो तरीका हम इसमें बता दिए हैं कि आपका रफ्तार बढ़ जाएगा पढ़ने का, है ना, वो तरीका से आप पढ़िएगा ना तो बहुत जल्दी आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, यानी कि आप मेहनत ज्यादा कराएंगे आपसे, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया कि मेहनत किस दिशा में और कितना करना है, एक दिन में कितना पढ़ना है और कैसे हम बिहार पुलिस को 20 दिन में उसका सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं अगर हम पहले से कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं तब।
तो ये सब तरीका क्यों है? यही सब तरीका है जो आपके डर को बाहर निकालता है। डर क्यों होता है? जब हमको रास्ता पता नहीं होता, किसी सुनसान रास्ते पर चल रहे होते हैं और पता नहीं है कि मेरा मंजिल किधर है और कितना दूर है, तो डर ज्यादा होता है। और जब पता चलता है कि नहीं, बस थोड़ा कदम और चलेंगे और मेरा मंजिल मिल जाएगा, बस इस दिशा में मेरा मंजिल है, तो थोड़ा कम डर हो जाता है। ठीक है, इसी डर को हम हमेशा से कम करने का प्रयास आप लोग के लिए किए और बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए दिए जो कि आप देखें, और क्लास भी आप लोग के लिए हम चलाए टेलीग्राम पे, बहुत सारे लोग उसके जुड़ गए हैं। टेलीग्राम का जो क्लास है उसमें बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कि क्लास कर रही है, 3,500 से ज्यादा लड़के लड़की क्लास कर रही है, जो कि मात्र 100 रुपये का क्लास था। 100 रुपये का क्लास में क्या था कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब दिया। अभी भी वो क्लास है, अभी भी आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप 100 रुपये पेमेंट करके उससे जुड़ सकते हैं और वहां पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में, क्विज के रूप में, टेस्ट के रूप में, और अभी तो लगातार उसमें टेस्ट भी चल रहा है जो कि टेस्ट लिया जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिल रहा है जो कि एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लड़के का एग्जाम में रिजल्ट भी होगा जो हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ाई किए अभी भी आप उससे जाकर के जुड़ सकते हैं और जितना भी क्वेश्चन वहां पे दिया गया ना टोटल को रिवाइज कर सकते हैं। आपका डर जरूर कम हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो कि मेरे लिए ही सिर्फ जरूरी था, इसको पढ़ करके हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको लड़ते हुए दिखेगा, है ना, ये चीज है। तो ये सब तरीका जो हम बताए आपको डर का, डर को दूर करने का ही तरीका आपको हम बताए थे जो कि आप अच्छे से फॉलो भी किए। बहुत सारे लोग हमारे साथ तैयारी किए और अच्छे जो हम बताए जैसे जैसे बताए वैसे करते भी रहे और बहुत फायदा भी उनको मिला, है ना। इस कमेंट बॉक्स में आप जाकर के जब देखेंगे जो कमेंट्स आएगा, जो भी डाउट होता है उसी कमेंट्स पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। हम जो वीडियो पहले डाले उस पे इतना ज्यादा कमेंट आया कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं एग्जाम कैसे निकलेगा। नहीं, डर लगना अच्छा बात है लेकिन ज्यादा डरना भी गलत बात है। डर लगना है बिल्कुल है, लेकिन वो डर इसलिए लग रहा है कि आपको पता नहीं है कि अब करना क्या है, तो हम बताते ही रहते हैं आपको करना क्या है, वो चीज बस आप फॉलो करते हैं। अगर आप सिलेबस को अपने अच्छे समझ जाते हैं कि समान अध्ययन है, जीके से क्वेश्चन आना है, जीएस से क्वेश्चन आना, गणित से आएगा, हिंदी इंग्लिश से आएगा और हर एक चीज को हम विस्तार में भी आपको बता चुके हैं कि कहां कहां से कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आता है, कैसे पढ़ना है। अगर आप नहीं देखें तो आप गलती किए हैं। अगर आप अभी तक मेरा पूरा वीडियो नहीं देखे हैं जो भी हम बना चुके हैं प्लेलिस्ट में, हम ज्यादा फालतू वीडियो बनाते ही नहीं, वही वीडियो बनाते हैं जो आपको कम से कम 1-2% भी आप में सुधार हो जाए, वैसा ही वीडियो बनाने का हम प्रयास करते हैं। और हमेशा मेरे वीडियो से आपको लाभ मिलता होगा। बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जिसपे आपको इस सिलेबस के बारे में, इसका कैसे तैयारी करना, स्ट्रेटजी के बारे में सब चीज बताया और लास्ट दिन में आपको 20 दिन का फॉर्मूला भी दिए और क्लास के बारे में भी बता दिए। अगर अभी तक आप नहीं जानते होंगे तो आपको बता दिए टेलीग्राम क्लास के बारे में, वो भी अभी भी आप उससे जाकर के जुड़ सकते हैं। जितना भी दिन बचा हुआ उसमें टेस्ट चल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 100 रुपया मात्र उसमें पेमेंट लगेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, उससे भी जाकर के आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये में जो चीज आपको हम दे देंगे वो चीज कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। आप क्वेश्चन का लेवल को देखिएगा, क्वेश्चन के जो पैटर्न को, एक भी क्वेश्चन आपको गलत वहां पे नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है ओरिजिनल है, सही है, बहुत ज्यादा डाटाबेस तैयार करने के बाद, यानी खोज करके, बहुत सारा किताब में गलती भी होता है, वो सबको सुधार करके वहां पे दिया जाता है जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। एक बार पढ़े और किसी भी एग्जाम में हुआ है तो आप बना दे, डिस्कशन के साथ भी दिया जाता है, तो ये चीज है। वो क्लास बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो आप अपने सिलेबस को समझते हैं और करने का तरीका को जानते हैं जो हम 20 दिन में बताए, ये सबको अगर आप अगर करते हैं तो फिर डर किस बात का, है ना, डर किस बात का। एक स्टूडेंट ही उस एग्जाम को निकालेगा और आप देखिएगा आपके नजर के सामने ही निकालेगा। वो स्टूडेंट कहीं अंतरिक्ष पर से नहीं आया है, वो एलियन नहीं है, वो आप ही के बीच का एक स्टूडेंट है जो कि अच्छे से पढ़ाई किया है, वो सब वीडियो को देखा है, समझा है कि कैसे कैसे पढ़ना है, वो कुछ अपना भी दिमाग लगाया है कि नहीं ये तरीका पता चला है ना, 10 हम बताए वो 5 अपने तरफ से जोड़कर 15 हो गया, तो ये दिमाग जिसके पास है वो जरूर इस एग्जाम को आराम से निकालेगा। और जो बस भगवान भरोसे, कुछ लोग भगवान भरोसे भी रहते हैं कि बिहार पुलिस का एक ही एग्जाम है, इतना मतलब लगा देंगे ना कुछ तो सही हो जाएगा, 70-80 नंबर तो आ ही जाएगा, मेरा एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा, फिजिकल निकाल लेंगे, बस नौकरी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपके साथ हो जाता है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पढ़ने वाले का ही रिजल्ट होता है और अगर आप अगर पढ़ रहे हैं तो यह पढ़ाई सिर्फ आपके बिहार पुलिस में नहीं, आपके जिंदगी भर काम आने वाला है, जिंदगी में भी आपका काम आएगा। तो पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ने वाले एज में ही हैं, है ना, एज बदलता है। अभी जो आपका एज चल रहा है वो पढ़ने का, नौकरी कर लिएगा उसके बाद मत पढ़िएगा, नौकरी हो जाएगा ना, एक अक्षर आप नहीं पढ़िएगा, किताब से दूरी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सैलरी मिल रहा है ना, जिंदगी जीना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका आगे बढ़ने का सपना है तो फिर आप खुद से सोच सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई अगर बोझ लगता है तो कम से कम इस बोझ को तब तक ढो लीजिए जब तक आपका नौकरी नहीं लगता। नौकरी के बाद ये बोझ उतार करके नया सरताज आपके सर पे आ जाएगा जो कि नौकरी का होगा, सैलरी के साथ जीवन बदल जाएगा, मजा आने लगेगा, एक दिशा आपको खुद ब खुद मिलते जाएगा। जब पैसा हाथ में होता है ना तो मजा अपने आप आने लगता है और समझदारी भी बढ़ना शुरू हो जाता है, बस पैसा हाथ में चाहिए जो कि जॉब से आपको आ ही जाएगा। तो ये सब चीज जो आपको बताते हैं इसलिए बताते हैं क्योंकि आप में जब भी डर लगता है, जब भी आप डिमोटिवेट फील करते हैं कि नहीं मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है,
आप में ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी सभी लड़कों में होता है, लड़कियों में होता है, जो भी तैयारी करता है सरकारी नौकरी का अच्छे से करता है, मन से करता है, उसमें जरूर ये बीमारी होना भी चाहिए। अगर ये डर नहीं है आप में, तब कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसका मतलब है कि आप बिहार पुलिस के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, आपसे नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको तो बस फॉर्म भरना था और एग्जाम देना था, तैयारी से तो कोई मतलब था नहीं। एडमिट कार्ड आप अच्छे से देख लिए, थोड़ा सा घूमने का आपको मौका मिल गया, एग्जाम दे लिए, आ गए फिर घर आके बैठ गए, फिर दूसरा फॉर्म भरिएगा, फिर उसका तैयारी करिएगा। अगर इस तरीके के आप लोग हैं, आप छात्र हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आप उस तरीके के हैं जो हर एक चीज को फॉलो करता है, सिलेबस को समझता है, तरीका को समझता है, अपने आप से दिमाग लगाता है और मेहनत करता है, फिर उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। वो जरूर रिजल्ट देगा, इस वैकेंसी में ना सही अगले वैकेंसी में लेगा, तो वो नौकरी तो ले ही लेगा, एक साल लेट ही सही नौकरी तो उसका हो जाएगा। तो हम जो बताना चाहे आपको यही कि डर को भगाइए, मेहनत करना चालू करिए, और जितना भी दिन बचता है, 20 दिन है, 25 दिन है, 15 दिन है, 10 दिन है, मेहनत को जारी रखिए, समझने का प्रयास करिए हर एक चीज को। जब भी संविधान को शुरू करिए तो पढ़ना, मतलब उसमें समय देने का, पर जितना आप समय निकाल सकते हैं बिहार पुलिस के लिए, इसलिए निकालिए ना समय, कि ये 20 दिन फिर दोबारा नहीं आने वाला है। एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिर न्यू वैकेंसी आएगा ना, कब आएगा नहीं आएगा क्या पता है, बस ये लास्ट है। इसमें हम इतना मेहनत कर देते हैं कि अपने आप पर अफसोस ना रहे कि हम नहीं कर पाए, हम किए हो नहीं पाया, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप नहीं किए और नहीं हो पाया फिर तो वो होना ही था, आप किए और नहीं हुआ तब थोड़ा सा डाउट हो सकता है, थोड़ा सा दुख हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं करिएगा तो फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। तो करना शुरू करिए, जितना भी दिन बचा हुआ उसको अच्छे से मैनेज करिए अपने आप में, और रिवीजन करने का ज़्यादा प्रयास करिए, ठीक है। और मेरे क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, तो 100 रुपया क्लास है, वहां जाकर जुड़िए, और जितना भी क्वेश्चन है सबको रिवाइज करिए, नोट करिए और रट लीजिए, सबको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है, और टेस्ट में भी हिस्सा लीजिए और बताइए कि कितना आपका स्कोर आ रहा है उस टेस्ट में। 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जो भी दिया जा रहा है टेस्ट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चुन करके देते हैं जो कि आने का संभावना है, उसको जरूर आप देखिए और बताइए कितना स्कोर आ रहा है। अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो प्रीवियस जितना भी पीडीएफ दिए हैं क्विज के तरफ जो क्वेश्चन हुआ है, वो सब क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छे सब कुछ आपको बता दिया गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, कुछ शेयर वगैरह कर दीजिएगा लोगों में जिसको जरूरत होगा कि बिहार पुलिस पता नहीं कैसे निकलेगा, बहुत डर लग रहा है, उसको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसको से पहले देख पाएंगे, ठीक है। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, इसलिए क्योंकि ये वीडियो अगर आपको आगे बढ़ाता है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि 1% सिर्फ आप में सुधार होगा मेरा एक वीडियो से, तो 1000 वीडियो बना देंगे आप में, 1000% हम सुधार कर देंगे, उसके बाद तो जॉब होगा, और हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, हो गया है बहुत सारे लोग का और आपका भी होगा, आप उस कतार में खड़े हैं, बस आपका नंबर आना बाकी है, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए, मेरे तरफ से आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।